राठौर डिजन हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 12th हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम माँ शारदा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ब्राह्मणों का वास धान मंडी रतलाम। आवश्यकता है योग्य अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की। संपर्क करें 07412405348। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई घटित। स्टेशन रोड थाना अंतर्गत सालाखेड़ी चौकी में दो नाबालिग बालिकाओं के साथ 60 वर्षीय वृद्ध ने की छेड़खानी। सालाखेड़ी चौकी पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। देश एवं मणिपुर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस संगठन के निर्देश पर शहर महिला कांग्रेस द्वारा दिया गया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। ज्ञापन में मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग। प्रदेश में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मंदिर निर्माण जल एवं मिट्टी संग्रहण जन जागरण अभियान की तैयारियां पहुंची अंतिम चरण में। शहर विधायक चेतन काश्यप ने बैठक लेकर जनप्रतिनिधियों को सौंपी जिम्मेदारी। 29 जुलाई को होगा यात्रा का शहर में प्रवेश। सालाखेड़ी चौकी अंतर्गत एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें सालाखेड़ी चौकी में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की विवेचना शुरू की है। स्टेशन रोड थाना अंतर्गत सालाखेड़ी चौकी क्षेत्र में दो नाबालिग बालिकाओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें सालाखेड़ी चौकी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की विवेचना शुरू की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सालाखेड़ी चौकी क्षेत्र स्थित अर्जुन नगर निवासी नातू पिता भुवानी राम राठौड़ 60 वर्ष ने अपने पास ही में रहने वाली 9 व 11 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने की घटना की। बालिका किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी कि तभी दुकान संचालक ने बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की, जिस पर बालिकाओं ने अपने माता पिता को जानकारी दी। उसके बाद माता पिता द्वारा सालाखेड़ी चौकी में जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई। सीएसपी हेमंत चौहान घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे और मामले की सूक्ष्मता से जांच करते हुए विभिन्न धाराओं में आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। वहीं आरोपित को पुलिस ने राउंडअप कर लिया है। शहर महिला कांग्रेस ने देश एवं मणिपुर में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कांग्रेस संगठन के निर्देश पर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुसुम चाहर के नेतृत्व में देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में ज्ञापन दिया गया। प्रदेश कांग्रेस संगठन के निर्देश पर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती कुसुम चाहर के नेतृत्व में देश में बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचार एवं मणिपुर में महिलाओं पर हो रहे दुष्कर्म व दुराचार के मामले में निरंतर बढ़ रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी करते हुए मणिपुर राज्य की सच्चाई छुपाई जा रही है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र के प्रधानमंत्री तक ने राजा और प्रजा के बीच का पवित्र सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन किया है। राज्य के तमाम नागरिकों के सुरक्षा बंदोबस्त करने की मांग भी ज्ञापन के माध्यम से की है, तथा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए वहां की मौजूदा राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। ज्ञापन का वाचन शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती कुसुम चाहर ने किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस नेत्री यास्मीन शेरानी, निगम नेता सचेतक श्रीमती आशा रावत, नीलोफर खान, मुमताज खान, अनु धबाई, कविता महावर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, प्रकाश प्रभु राठौड़, शैलेंद्र अठाना, फयाज मंसूरी, राजेश प्रजापत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बसंत पांड्या, कमरुद्दीन कछवाया, मांगीलाल जैन आदि कांग्रेस नेता मौजूद रहे। प्रजा के बीच के सबसे पवित्र सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन किया है और वह है अपने तमाम नागरिकों की सुरक्षा का बंदोबस्त करना। महोदया, आपकी एक महिला है, वह महिलाओं का दर्द भरी भांति समझ सकती है। रतलाम शहर महिला कांग्रेस आपसे अनुरोध करती है कि मणिपुर राज्य में वर्तमान सरकार को भंग कर तत्काल राष्ट्रपति शासन की स्थापना।
शहर में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मंदिर निर्माण, जल एवं मिट्टी संग्रहण, जनजागरण अभियान की तैयारी शुरू हो चुकी है। विधायक चेतन काश्यप ने यात्रा को लेकर भाजपा मंडल पदाधिकारियों की बैठक ली। शहर में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मंदिर निर्माण, जल एवं मिट्टी संग्रहण, जनजागरण अभियान की तैयारी शुरू हो चुकी है। विधायक चेतन काश्यप ने यात्रा को लेकर भाजपा मंडल पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने यात्रा के दौरान सभी शहरवासियों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बैठक में विधानसभा संयोजक मनोहर पोरवाल सहित समस्त मंडल अध्यक्ष व मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि जनजागरण यात्रा सैलाना क्षेत्र से 29 जुलाई को रतलाम शहर में प्रवेश करेगी। इस दौरान हनुमान ताल सरोवर एवं झाली तालाब सरोवर से महिलाओं द्वारा जल एवं मिट्टी लाई जाएगी। यात्रा दोपहर 3 बजे अलकापुरी से प्रारंभ होगी। दोनों सरोवर से जल एवं मिट्टी संग्रहित करके महिलाएं संत रविदास चौकी पहुंचेंगी, जहां संतों की सभा होगी। यात्रा के दौरान बैंड, डीजे, बग्गिया के साथ ढोल भी रहेंगे। यात्रा के दौरान संत साथ चलेंगे। चरण पादुका पूजन के लिए रास्ते में विभिन्न स्थानों पर संस्था एवं संगठनों द्वारा स्वागत मंच भी लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से पादुका पूजन एवं यात्रा का स्वागत किया जाएगा। यात्रा को लेकर मार्ग पर आकर्षक सजावट भी होगी। बैठक में जिला कोषाध्यक्ष जयवंत कोठारी, जिला कार्यालय सहमंत्री राकेश नागर, MIC सदस्य अक्षय संघवी, पार्षद हितेशी कामरेड, मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित, कृष्ण कुमार सोनी आदि उपस्थित रहे। जन जागरण की यात्रा है लगा और एक जैसे भी नहीं बना, समाज के व्यवस्था को ले लें और उनके जो भी प्रमुख नाम हो, उनके कोई प्रमुख फोटो लगना हो तो वैसे उनको बैनर बनवाए। इसको अपन थोड़ा विकेंद्रीकृत कर रहा है और उस पर वो जाकर के फूल वर्षा करनी है, क्योंकि सामान्य रूप से कई बार इस तरीके की घटनाएं होती है। तो जन जागरण का मतलब यही है कि जहां पर भी मंच लगे उस क्षेत्र में माहौल बने। आंखों में तेजी से फैल रही कंजक्टिवाइटिस बीमारी को लेकर विधायक दिलीप मकवाना ने संज्ञान लिया है। उनके द्वारा अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में आंखों की दवा उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए। आंखों में तेजी से फैल रही कंजक्टिवाइटिस बीमारी को लेकर विधायक दिलीप मकवाना ने संज्ञान लिया है। उनके द्वारा अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में आंखों की दवा उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए। साथ ही आमजन से भी बीमारी से सतर्क रहने का आह्वान किया। विधायक दिलीप मकवाना ने बताया कि बीते एक सप्ताह के दौरान आंखों से जुड़ी बीमारी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिला अस्पताल के साथ स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में कंजक्टिवाइटिस रोग से ग्रसित मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में पूरे समय नेत्र रोग विशेषज्ञ की ड्यूटी लगाई जाए, जिससे कि वहां आने वाले रोगियों को बेहतर उपचार मिल सके। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 12th हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, आर्ट टू 12th हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। आवश्यकता है योग्य अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की, संपर्क करें 07412405 34। ग्राम पंचायत डेलनपुर में भारत जन कल्याण योजना अंतर्गत जन कल्याण सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ। जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम पंचायत डेलनपुर में भारत जन कल्याण योजना अंतर्गत जन कल्याण सेवा केंद्र का शुभारंभ बुधवार को हुआ। इसके माध्यम से अब ग्रामीणों को उच्च गुणवत्ता की राशन सामग्री 10-40% की छूट पर उपलब्ध हो सकेगी। योजना के तहत जन कल्याण सुविधा केंद्र की ओपनिंग की गई ग्राम डेलनपुर में। ये पूरे जिले की डिस्ट्रीब्यूटर मैंने ली है डिस्ट्रीब्यूटर से, और पूरे जिले में हर पंचायत में मुझे एक एक दुकान खुलवाना है। और अब पहली दुकान का जो ओपनिंग किया गया और ग्रुप पूजन के साथ में इसको ओपनिंग किया गया। और हमारे पटेल साहब जो इंदौर से हैं, हमारे जयगुरुदेव संगत के मेन कहे तो मुखिया हैं, उनके द्वारा इनकी ओपनिंग कराई गई। और हम ये चाहते हैं कि पूरी
जिले में अजय गुरुदेव का नाम भी रोशन हो और शुद्ध जो अच्छी क्वालिटी का सामान है वो और इंसान को मिले। भारत जन कल्याण योजना अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में जन कल्याण सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और आमजन को उच्च क्वालिटी की खाद्य सामग्री न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस मूल्य में 10% लगाए 40% तक का छूट मिलता है जी। उस छूट के हिसाब से माल हमें सस्ता पड़ा। आपने यहाँ पर क्या क्या सामान लिया है? मैंने चावल, चाय, कोलगेट, साबुन, रिंग, घड़ी डिटर्जेंट और गोदरेज नंबर 1। योजना से जुड़ने के लिए संबंधित लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे जिनके माध्यम से आमजन को कम दाम में राशन उपलब्ध हो सकेगा। भारत जन कल्याण योजना का हेड ऑफिस रतलाम शहर में मऊ रोड पर बनाया गया है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग रतलाम द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग रतलाम द्वारा कारगिल विजय का 24वां विजय दिवस शहर सराय शहीद चौक इंडिया गेट पर मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग रतलाम अध्यक्ष राजेश प्रजापत ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों द्वारा आज के दिन ही युद्ध के दौरान अपनी जान की बाजी लगाकर कारगिल पर विजय पाई थी। कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर शहीद हुए सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में अमर सिंह शेखावत, पीयूष बाफना, सलीम टेलर, अनीस कुरैशी आदि कांग्रेस जन उपस्थित थे। मणिपुर की महिलाओं के साथ जघन्य अपराध मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना के विरोध में आदिवासी संगठन द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। नेहरू स्टेडियम पोलो ग्राउंड से अंबेडकर सर्कल कोट चौराया तक रैली के माध्यम से कैंडल मार्च किया। मणिपुर की महिलाओं के साथ जघन्य अपराध मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना के विरोध में केंद्र सरकार मणिपुर सरकार के विरोध में नारे लगाकर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो व आज आदिवासी छात्र संगठन SCS मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य एवं कारगिल विजय दिवस के उन बहादुर जवानों को याद करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इस पूरे कार्यक्रम को मणिपुर को समर्पित इस कैंडल मार्च कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित समाज के लोग आदिवासी छात्र संगठन आदिवासी परिवार के ध्यान वीर डामोर, जगदीश गणावा, जिला जयस अध्यक्ष कालू बारोड़, जिला पंचायत सदस्य शरद कुमार डोडियार आदि बड़ी संख्या में समाज के माताएं बहनें एवं छात्र छात्राएं युवा साथी बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हुए। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई घटित। स्टेशन रोड थाना अंतर्गत सालाखेड़ी चौकी में 2 नाबालिग बालिकाओं के साथ 60 वर्षीय वृद्ध ने की छेड़खानी। सालाखेड़ी चौकी पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। देश एवं मणिपुर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस संगठन के निर्देश पर शहर महिला कांग्रेस द्वारा दिया गया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। ज्ञापन में मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग। प्रदेश में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मंदिर निर्माण, जल एवं मिट्टी संग्रहण जन जागरण अभियान की तैयारियां पहुंची अंतिम चरण में। शहर विधायक चेतन काश्यप ने बैठक लेकर जनप्रतिनिधियों को सौंपी जिम्मेदारी। 29 जुलाई को होगा यात्रा का शहर में प्रवेश।